मान लो मैं फड़े जाना, मैं चार महीने अंदर लाया हूं, योगदान तो मेरा सिंहासन का कोई नहीं पैना, अंदर बैठा मैं की योगदान पास रहा, जे मैं बाहर आ चाहे मैं रूह पोष है, मैं तो थोड़े अगर भरावान को होका दे के इकट्ठे करके भेजता रहा, जो मैं बाहर योगदान पा दूंगा मैं अंदर नहीं पा सकता। चक्कर कोई तैयार नहीं, झोना साडा विकना है नहीं, 70-75 हजार जमीन ठेके दे लई बैठे हैं, जमा है आखिर किधर नूं, फिर देख लियो। जेड़े बंदे हाले भी सोची जाते हैं भी छड़ो यार हुण की बनना है उत्थे की है, तो मैं उन्होंने लोगों को कहना चाहता भरावो असीं खत्म हो जाएंगे, पट्टे जावांगे, तबाह हो जाना पंजाब ने, आए हाथ बन्नांगे असीं हाथ, जेड़े अज असीं कहने आ ना कि असीं पूंजीपति लोगों को अपनी जमीन का ओरा नहीं देना, तो असीं हाथ बन के कहांगे कि साडे कोल नहीं भरावो सांभ होंगे जमीन, तुसीं आ ले लो सांभ लो, आपे ही है फसल साडी विकनी कोई नहीं, कानून लागू हो जाने हैं, आ नवा कानून लिया लिया बिजली वाला, जे दो पशु होंगे थोड़े रखे हुए दो ते नाल तीजी कट्टी बच्ची होगी तो कमर्शियल मीटर लाना पैना, राजस्थान च मैं जाके पिछे जे हो गए जो अंदोलन तो चलता सीगा उन्होंने दिनों च, वो कहते साढ़े भाई 40-40, 30 हजार रुपया बिल आता, साढ़े भी हालात होने हैं, हम आप माड़े मोटे टेढ़ बैंक कर लेना, कुंडी ला रही किमें कर लिया किमें कर लिया, फिर 40-40 हजार बिल आना, घर मोटरसाइकिल स्कूटर गड्डी ट्रैक्टर ट्राली कुछ भी धो तो सकते, एक कानून थोड़े सिर से तलवार खड़ी है लटक रही है थोड़े से, अगला कानून सरकार लिया रही है, आई लगातार एक एक करके कानून आने ने, कारण बड़ा साफ है कि किमें जिमें किमें करके थोड़े को जमीन खुण गए, सोनू घसियारे बना सोनू खत्म करना, जो अभी आपे आके दे दी जमीन, एक गल होर याद रखियो, मैं पहला भी कहते बोली सी गल, अपने बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़िया सड़क ने अपने पिंड में भी दो निकल रही, आप देख ही लिया अपने 1500-1600 एकड़ होना, इन्नी कहू पैली जी 1600 एकड़ पैली है, 200-250 एकड़ दो सड़क च आ जानी है, तो जमीन बंडिया गई पांच किले है, किला कैदर बच गया, किला कैदर बचू डेढ़ किला, यह क्यों बन रही ने, यह जो आप सारे ने खैर सुनिया होना है, जेड़ा चीन सड़क बना रहा है, सड़क राही व्यापार होना है, आवाजाही सड़क राही होगी, यह सारा ताना माना बुनिया जा रहा है, जी जम्मू कनाडा हाईवे बन रहा है वह जोड़िया जा रहा है, आज याद रखो जिमें सानू जमा इन्होंने खत्म करके कानून बना के जमीन हथिया के साडे कोलों पूंजीपतियों को आ जाएगा, असं इतने अपन जमीन की दिहाड़ी करा करांगे, पंजाब जो व्यापार खुल गया यह जमीन सानू किसी भी भाव मिलनिया नहीं, इतने याद रखियो, असी मुफ्त मुफ्ती छपके जावे ब्याह लै लो यार छिटा के, क्यों क्या कानून लागू हो जाने हैं, सारे को पहुंच ही है नहीं, अज के जिमीदार है जरा करजे ही नहीं है किसी बैंक का किसी आर्थिक का, हर जिमीदार तबाह होया पे बुरा हाल है हर बंदे का, खाचा लोग मसा चला अपना घर का, सो भरावो इस करके तुम बेनती करते हैं कि यार फर्ज बनता सारे बंद का, छो इन गलों कि आगू के खिलाफ की बोल रहा है कौन कि खिलाफ है, ये भी सरकार दाल होंगे, सरकार ने हमारी फुट पानी सी पाती दफाड़ करना सी करते, अच लगातार मेरा प्रापे गला चल रहा बराबर प्रचार ही चल रहा है, फलाना माड़ा जी फलाना माड़ा है, फलाना बिक गया, फलाना सरकार ना गल कर गया, वो ऐ कर गए ऐ कर गए, मैं यही गल किसान आगुओं को पहला भी कही अज भी कहना चाहता है कि सोनू किसी प्रकार की अभी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिसे साढ़े च लगे कि फुट है, सरकार को मौका मिले, तो मैं लोगों भी कहना चाहना बार बार वही गल आ जाती है कि असं अपने ही लड़ रहे हैं, सो पर मैं भरावो बेनती करना सहने तो इतने बंदे आए हैं, वो कहते भाई साढ़े 10-11 हजार वोट है, बंदे पिंड चो मसा 50 जाते होने हैं, बाकी इन्होंने को जमीन नहीं, बाकी कहना उसे कोई मजदूरी नहीं करते, कल सहने की गल नहीं, हर पिंड के हालात ये ने, अरे मेरे पिंड मैं सुना दिना, अरे मेरे पिंड सुखदेव घाणा है, रोज तड़के 2 घंटे आखने 2 घंटे संघ पढ़ा लेता है, बोल बोल के आ जाओ लोगो आ जाओ आ जाओ, फिर भी मसा हौली हौली घर चो कढ के कह कह के बंदे लियाने पैंदे, इतू साडी माड़ी हालत की हो गई, किवें असीं लड़ांगे किवें जित्तांगे, असीं सरकार को बहुत बड़ी ताकत है,
उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने साडा एकता होना बहुत जरूरी है, बड़े इकट्ठ होने बहुत जरूरी है, साडा जुड़ना बहुत जरूरी है। सो इस करके मैं यही बेनती करता भी हुण आपां इहदे चाले पाउणे आ दिल्ली नूं। दिल्ली जाना जिहड़ा आपां इत्थों जाणा है रामपुरा, रामपुरा बरनाला संगरूर पटियाला शंभू उही हाईवे जिहड़ा जाणा है, अगे आपां सिंघू बार्डर दे उत्ते जाणा है। ते कल नूं टीडीआई माल कोले आपां कल समां की रखिआ 11 बजे रख लो, कल टीडीआई माल कोल 10:30 बजे उत्थे आपां इकट्ठे होणा। एक मेरा भी तुहानूं बेनती करना इकट्ठे रहना सारिआं, उदू बाद आपां स्टेज दे कोले जाणा। अगे ये ना सोचा करो भी लखा तां आया नहीं, लखे नूं इक वार जां दिखाई देती बस लखे नूं मिल ले जां हाजरी लवाती। नहीं यार, तुसीं हाजरी लवाउण दा मैनूं दिखाई देण लई मेरे थोड़ी किसे निजी काम आए, ना तां मेरे मुंडे दा कोई ब्याह, ना मैं किसे वोटां 'च खड़ा है ਇਸ ਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਰੇ ਹੁਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁਕਾ ਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਣ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਗੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲੋਕੋ, ਲੜੋ ਲੜੋ, ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਭਾਈ ਫਲਾਉਣਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਲੀ ਆਪਾਂ ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਲਿੰਦ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਲੜ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੀਡੀਆਈ ਮਾਲ ਕੋਲ 10:30 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਖੰਡੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲਾਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਾ ਬੰਨਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ